नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। पीएम मोदी ने वर्चुअल रोजगार मेला को किया लॉन्च, 75,000 नियुक्ति पत्र सौंपा। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना की 2,122 नए केस, तो पहले दिन मिले थे 2,119 नए केस। एमपी के रीवा में बस हादसे में 14 की मौत, वहीं 35 यात्री हुए घायल। एमपी के रीवा हादसे में वहीं पीएम मोदी ने जताया दुख, मरने वालों के परिजनों को दिया 2,00,000 रुपए का मुआवजा। अमेरिका में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के घर मनाया जा रहा है दिवाली का जश्न। यूपी में दीपावली पर सजाई गई अयोध्या नगरी, रविवार को पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुंबई एटीएम में फर्जीवाड़ा कर कैश निकालने वाले दो गिरफ्तार, 30,000 रुपए और 68 कार्ड हुए बरामद। भोपाल की ऑयल डिपो में लगी भीषण आग, 7 लोग झुलसे, राहत कार्य लगातार जारी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर दी दीपावली की शुभकामनाएं। सुकेश केस में एक्ट्रेस जैकलीन की जमानत याचिका पर दिल्ली की कोर्ट सुनवाई करेगी आज। और दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में 50% महिलाओं को रिजर्वेशन, इलेक्शन कमिश्नर ने जारी की 250 वार्ड की सूची।